नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कमाल आर खान उर्फ के, यूं तो ये जनाब खुद को फिल्म क्रिटिक और बॉलीवुड एक्टर समझते हैं, लेकिन लगता है इन दिनों इनका काम सिर्फ देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी करना ही रह गया है। हमेशा ही अपने बेतुके बयानों की वजह से केआरके चर्चाओं में बने रहते हैं, मामला बॉलीवुड से जुड़ा हो या राजनीति से जुड़ा। केआरके का उस पर रिएक्ट करना सबसे जरूरी है, फिर चाहे वो अपने बयानों की वजह से ट्रोल ही क्यों ना हो जाएं, उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अब लीजिए, केआरके ने फिर से पीएम मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल दी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब केआरके ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर चुटकी लेते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दी थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बड़े तबके ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई थी। और अब लीजिए, केआरके ने फिर से पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। दरअसल बीते सोमवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा समिट में प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के लिए भाषण नहीं दे पाए। इसका कारण टेलीप्रॉम्प्टर में तकनीकी दिक्कत बताई गई, जिस वजह से उन्हें अपनी बात बीच में ही रोकनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष के साथ साथ कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। इसी बीच केआरके भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी पीएम मोदी के साथ हुई इस घटना पर चुटकी ली, लेकिन उनका ऐसा करना उन्हीं पर भारी पड़ गया। वो कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको केआरके का ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पीएम मोदी पर चुटकी ली। केआरके ने लिखा, हम सभी जानते हैं कि हमारे पीएम मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना विश्व के नेताओं के लिए भाषण नहीं दे सकते, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग करते हैं तो चिल करें। अब केआरके के इस ट्वीट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। जैसे एक यूजर ने केआरके को लताड़ लगाते हुए लिखा, भाई साहब अपनी सारी डिग्रीज भी शेयर कर दीजिए जरा, आई एम श्योर आपने पीएचडी तो जरूर की होगी। इफ यू कांट गिव रिस्पेक्ट टू अ पर्सन, एटलीस्ट रिस्पेक्ट द पोजीशन, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अर्न रिस्पेक्ट सर, इफ यू कांट गिव, गॉड ब्लेस यू। एक और यूजर ने लिखा, तुम्हारे देश में तो पीएम भी नहीं होते, वहां किंग चलते हैं। खैर अपनी चिंता करो, कहीं एक दो ड्रोन तुम पर ना गिर जाएं। एक और यूजर ने लिखा, तू पागल तो ना है, कुछ भी बकर बकर, केवल ट्वीट काउंट बढ़ा रहा है ना, लोगों से गालियां सुन रहा है, देशद्रोही। तो देखा आपने, केआरके को पीएम मोदी का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ गया। वैसे ये पहली बार नहीं जब केआरके मोदी के खिलाफ बयानबाजी करके लोगों के निशाने पर आए हो, इससे पहले भी वो कई बार ट्रोल हो चुके हैं। हाल ही में केआरके ने विराट कोहली का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को इस्तीफा देने की नसीहत दे दी थी, जिसके बाद भी लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की थी, और अब वो फिर से ट्रोल हो रहे हैं। वैसे केआरके के इस ट्वीट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर।